तब कबीर साहिब ने कहा, दर्गदानी चित्रगुप्त बलवान, यमों के ये सरदार महान, मनसा मल अपर बल मोहा, कालसेन मकरंदी सोहा, चंचल चित और अंध अचेता, मृत्यु अंध जतन जो करता, अंधा शंखर कर्म रेखा, भावी तेज तालुका देखा, क्रोध और अग्नि कहिए अंधा, जिनसे जीव जंतु हर बंधा, प्रभु अपर बल धर्म राज, पाप पुण्य का देते प्रसाद, यमी निरंजन ने ही बनाए, लेखा जोखा सभी थमाए, चित्रगुप्त लेखा देखें भाई, दो चतुर बड़े, लख चौरासी वश में जाके देख लेखा है छले, लेखा लगाते जीव का जब अवधि पूरी आई हो, सवा लाख बंधन में बांधे ठगे निरंजन राई हो, ऐसा किए विचार बारी सबकी लगाए के, एक नाम जाने बिना सब संसार भटकाए के, देख भयंकर यम की काया, लाख चौरासी जीव डराया, विकट रूप को देख के पास, सब प्राणी पाए जब त्रास, सबने मिलके ब्रह्म पुकारा, दूर करो प्रभु कष्ट हमारा, इस तरह विनती सुन के भले की, तब हुई ब्रह्म के घर से वाणी, वाणी से ही हुआ उजियारा, योग संतायन तभी पग धारा, आज्ञा क्या है पुरुष सुनाओ, पूरी करूंगा जो भी बताओ, तब पुरुष ने वचन कहे, हंस दुखी है काल के पास, जाके छुड़ाओ काल की फांस, करूंगा क्या जो हार वो माना, जबरदस्ती से पुण्य है जाना, जोग जीत तुम जल्दी आओ, भव सागर से हंस बचाओ, तब ज्ञानी ने वचन कहे, चले ज्ञानी तब शीश झुका के, धर्म जहाँ पहुँचे वहाँ आके, धर्म राज ज्ञानी को देख, क्रोधित हुआ वो मन में विशेष, किस कारण तुम यहाँ पे आए, लोक से मुझको मार भगाए, आज्ञा मान में छोड़ा लोग, यही जान तुम खाए धो, मारूंगा तुमको अब ज्ञानी, खत्म करूंगा सभी कहानी, एक पल में संहार करूं, सत्य वचन ये अपार, सब दीपों को नाश कर तू मान सरोवर दारे, ज्ञानी कहे सुन धर्म नियागर, कितने ठिकाने दिए भव सागर, तीनों लोक दीने तुझे राजा, पुरुष आज्ञा से मैं यहाँ आया, 84 लाख जीव तुझे दीने, जिनके प्राण तुम्हारे अधीने, आज्ञा पुरुष की मानिए जाओ, जीवों को सत्य लोक पहुँचाओ, अगर वचन ये मान न पाए, करके अवज्ञा लोक से जाए, वही करो जो यहाँ रह जाओ, नहीं तो यहाँ से निकाले जाओ, कितने जीवन दिए हैं बांट, बोलो वचन धर्म तुम छांट, धर्म कहे सुनो ज्ञानी, आज्ञा पुरुष की सारी, सेवा करता रात दिन, पल पल सहित विचारे, आज्ञा मान लेता मैं तेरी, अब सुनिए कुछ विनती मेरी, वह न करो जो हो मेरी
कोई हानि। मांगू वचन में भर दो हामी, पुरुष दिए मुझे राज बुलाए। तुम्ही वचन दो संशय जाए, लेना जीव जो भक्त हो तेरे। तीनों युगों में वास है मेरे, चौथा युग जब भी आएगा तभी सुधार ये हो पाएगा। कैसे वो होगा मुझे समझाओ, कि भक्ति जो मुझे सुनाओ। कहे धर्म सुन योग संतायन, ऐसे हंस न हो मुक्तायन। हरि मंदिर में दूंगा बनाई, वहां पे जीव करे सेवकाई। जो कोई नाम सत्य ना ध्यावे, सात जन्म तक बंधन पावे। सुन कर के ज्ञानी मुस्काए, कैसे वो पहचाना जाए। तब धर्मराय ने कहा, मेरा कन्या का हुआ प्रसंग, मन में उपजा महा आनंद। रुधिर बहा कामिनी के जब ही, नख रेखा भग उपजी तब ही। चला रुधिर वही रज बन कर, अंड तीन बन गर्भ में जाकर। प्रसंग से गुण तीन रचाए, प्रथम निरंजन राजा बनाए। ज्ञानी बोले धर्म से छल का मत है तुम्हारा, जिसको मैं चेता दूं वही हो तुमसे न्यारा। विनती तुमसे है धर्म राय, तीनों युग ही जीव दुख पाए। चौथे युग मेरे अंश आएंगे, नाम से हंस मुक्ति पाएंगे। तब धर्मराय ने कहा, हे स्वामी ऐसा ही होए, पर मांगू जो देना मोए। वो न करो जो जीव सब जाए, भव सागर खाली कर जाए। ऐसा नहीं है ज्ञानी ठानो, पुरुष की आज्ञा तुम भी मानो। पुरुष गए थे मुझे बताए, वह न करो जो सब जीव जाए। बोले ज्ञानी सब में माना, कहूँ वचन जो उसे निभाना। सतयुग त्रेता द्वापर जाए, कलयुग का प्रभाव जो आए। चार अंश में करूँगा वास, झूठी नहीं ये करो विश्वास। बावन नरसिंह अंश मेरे, परशुराम बलधीर। राम ही आगे आएंगे फिर, कर पुनः कृष्ण शरीर। कृष्ण देह छोड़ेंगे जहां पे, कलयुग शुरू होगा वहां से। तब हम करेंगे बोध शरीर, जगन्नाथ सरोवर के तीर। राजा इंद्र भी पतन सहेगा, कामदेव अति कर्म करेगा। मंडप उसका उठ नहीं पाए, सिंधु उसको बहा ले जाए। तब ज्ञानी पूछे यह बात, तुझसे ही उपजे सिंधु साथ। जगन्नाथ को कष्ट लगाए, सागर में किस तरह डुबाए। हंसा धर्म कहे अपनी कहानी, कहूँ करतूत सुनो तुम ज्ञानी। दैत्य अनेक जो जाए सहारे, मेरे ही अंश से जाएंगे मारे। राम रूप जब होगा हमारा, उनसे द्रोह है पाप अपारा। तैतने को वो मारेंगे, बाली को भी संहारेंगे। बाली वध का बदला लेगा, व्याध बन के कृष्ण को मारेगा। सिंधु से बैर नहीं पाए, करी है उससे विघात। मंडप उठ नहीं पाए है, उससे कहो यह बात।